छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरियाबंद जिले के देवभोग में आयोजित भेंट मुलाकात में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने देवभोग को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की, वहीं झाखरपारा को उप तहसील बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि देवभोग कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का नवीन भवन शीघ्र ही बनाया जाएगा। देवभोग के बालक ही स्कूल के भवन का जीर्णोद्धार करेंगे। ये बात कही ग्राम सिनापाली में जिला सहकारी ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभोग में नवीन सामुदायिक भवन का निर्माण शीघ्रता से किया जाएगा। सबसे पहले देवभोग में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। बालक हायर सेकेंडरी स्कूल देवभोग के भवन का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। सिनापाली देवभोग में ग्रामीण बैंक खोला जाएगा और देवभोग को नगर पंचायत बनाया जाएगा। नगर पंचायत के साथ साथ देवभोग में नया सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा। बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे, शादी ब्याह के लिए काम आएगा। और कोष्टामुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और ये शहीद परिवार के उसके पिताजी आए थे, मैं पहले से तैयारी करके आ गया था दादा। आईटीआई सरदापुर का नामकरण शहीद भोजराम के नाम से होगा। देवभोग झाखरपारा मार्ग में बिलार नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम मुहिया में पुल का निर्माण कराया जाएगा और झाखरपारा को उप तहसील बनाए जाने की घोषणा और ऋषि झरना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 30 लाख। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।